ऐसा क्यों होता है जिन लोगों की हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, वही लोग हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। जिसकी जितनी ज्यादा केयर करो, परवाह करो, वही इंसान हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते। पता है क्या, जिस इंसान की दुनिया में इज्जत है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और जिस इंसान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है वो इंसान जिंदा रहते हुए भी मर जाता है, उसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये 5 बातें हैं, अगर आप इन 5 बातों को सीख जाओ, इन पे ध्यान दो, तो सब आपकी इज्जत करेंगे, कोई आपका अपमान कर ही नहीं पाएगा, आपकी इंसल्ट कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहली बात, गिव इंस्टेंट रिप्लाई। जब ना कोई पहली बार आपकी इंसल्ट करता है या इंटेंशनली आपका अपमान करने के लिए आपकी हंसी उड़ाता है, तो आप उसे पहली ही बार में रोक दीजिए। देखो होता क्या है, जब आपके साथ पहली बार कोई बदतमीजी करता है या आपके साथ गलत बिहेव करता है, और जब आप उसे कुछ नहीं कहते, आप उसकी हिम्मत को बढ़ावा देते हैं कि वो आगे भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। हर बार आपके चुप रहने से उसकी शक्ति बढ़ती है और आपकी घट जाती है, इसीलिए आप पहली बार में ही रोक दीजिए। बाद में झगड़े की नौबत आए, शुरू में ही बहुत अच्छे से आप उस इंसान को रोक दीजिए, और शुरू में इस चीज को बिना झगड़े के, बिना गुस्से के भी रोका जा सकता है, लेकिन जब आप ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सह लेते हैं तो फाइनली आपको गुस्सा करना पड़ता है, आपको अपने रिश्तों को भी खराब करना पड़ता है। इसीलिए आप सावधान रहें और शुरू में ही इन सारी चीजों को रोक दीजिए। कभी भी आपके साथ कोई डिसरिस्पेक्टिंग बिहेवियर करता है या अब्यूजिंग बिहेवियर करता है, पहली ही बार में रोकना है। आप लोगों के दिमाग में ये मैसेज डालें, आपको अपनी रिस्पेक्ट कितनी प्यारी है, और जो इंसान खुद अपनी रिस्पेक्ट करता है उस इंसान की सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, तो आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करें। और दूसरी गलती पता है आप क्या करते हैं, आप लोगों को ओवर वैल्यू करने लग जाते हैं। डोंट ओवर वैल्यू पीपल। जब आप खुद से भी ज्यादा, अपनी इज्जत से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा किसी और की वैल्यू करने लग जाते हैं, तब उस इंसान की नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। पता नहीं इंसान का दिमाग कैसा है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं तो उसके माइंड में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, हालांकि बढ़नी चाहिए, पर कुछ है इंसान का दिमाग ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की वैल्यू ना करें, आप बिल्कुल वैल्यू करें, पर किसी को ना इतना भी ज्यादा भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के भाव समझने लग जाए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, इज्जत उसे ही दो जो आपकी इज्जत करना जानता हो, वैल्यू उसे दो जो आपकी वैल्यू करना जानता हो, जो आपकी वैल्यू नहीं करता उससे उतनी वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि आप हर दिन अपनी पावर बढ़ाते रहें, अपनी शक्ति बढ़ाते रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, आपको अपने तन की, अपने मन की और अपने धन की शक्ति, ये एक कड़वा सच है पर ये सच है, जिसके पास पावर है इज्जत भी लोग उसी की करते हैं। आप ये मत समझना सिर्फ पैसा आ जाने से आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, नहीं, आपको मन से, तन से, धन से, हर तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी पावर को बढ़ाना है। आपको अपने मन को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप हर किसी की बातों से जल्दी प्रभावित ना हो, कि आपको लोगों की बातों का बिना गुस्सा किए भी बहुत अच्छे से जवाब देना आए। आपको अपने शरीर को इतना बलवान बनाना है, कोई भी आपके साथ गलत बिहेव करने से पहले 10 बार सोचे, और धन से भी आप खुद को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये दुनिया का कड़वा सच है ना, पर ये सच है, जिसके पास ताकत है इज्जत उसी की होती है। तो आप अपनी ताकत को हर दिन बढ़ाएं। चौथी बात जिस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो ये कि आप अपनी कमजोरी लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं, और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना सीखें, औरों के जैसा बनने की कोशिश ना करें। जो काम सब लोग कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप अपनी वैल्यू खुद करें तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, और अपनी कमजोरियां किसी के भी आगे जाहिर ना होने दें। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर दर्द सबको बताया ना करो। अरे लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब आप लोगों को अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं, जता देते हैं, तब ना चाह कर भी आपको उनके द्वारा अपनी बेइज्जती सहनी पड़ती है, क्योंकि आप अपनी कमजोरियों को गलत मान लेते हैं।
अपने आप को फुली एक्सेप्ट करें, चाहे आपकी कमजोरी हो चाहे खूबी। उसको लेके मन में कभी कोई हीन भावना ना लाएं और ना ही आपकी कमजोरी का किसी को भी मजाक उड़ाने दें। पांचवी बात, नेवर बी ऑलवेज अवेलेबल। इंसान का ऐसा स्वभाव है, जो चीज उसके पास हमेशा रहती है वो उसकी वैल्यू नहीं करता है, जिस चीज के लिए तरसता है उसी की वैल्यू करता है। जब आप अपनी लाइफ में किसी को इतना ज्यादा स्पेशल बना लेते हैं कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसके माइंड में अपनी वैल्यू घटा देते हैं। हाँ, जब उसे वास्तव में आपकी जरूरत है, आप उसका साथ दें, उसके साथ रहें, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे खास आपकी जिंदगी में कुछ हो ही ना, कि वो जब चाहे आप उसके लिए अवेलेबल रहें। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, कोई करीबी हो, चाहे आपका किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो, पर खुद को कभी भी किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल नहीं करना है आपको। अगर ये पांच बातें आप अपनी जिंदगी में हमेशा फॉलो करेंगे, देखना सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। किसी की कभी हिम्मत नहीं हो पाएगी जो आपका अपमान कर जाए, आपकी इंसल्ट कर जाए। सच तो यह है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आप अगर अपनी इज्जत करते हो, अगर आप अपनी वैल्यू करते हो, तो सारी दुनिया आपकी वैल्यू करेंगे। इसीलिए ये पांच बातें आप ध्यान में रखो, खुद की इज्जत खुद करो, तो सारी दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करेगी।